Give me the picture. Who got the 8x10? I need the picture. Go get the 8x10. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल और आज मैं आपको बताऊंगा कि लोको पायलट टेक्नीशियन 13/8/2018 के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से ताकि मैं आप लोगों को सारे के सारे नोटिफिकेशन और डिटेल्स आप लोगों को मिल सकें। तो पहला क्वेश्चन था, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर जो था वो था वोल्टेज। नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है? वो होती है किडनी या फिर वृक्क की। विद्युत धारा किसका मात्रक होता है? इसका आंसर जाएगा एम्पियर। अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वो जाएगा बाइनरी फ्यूजन से। नेक्स्ट है, इसके अंदर हाइड्रोजन में कुल कितने आइसोटॉप्स होते हैं? तो वह था 3। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? वो करती है फ्रीक्वेंसी पर। फेराडे का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो वो होता है प्रेरित धारा के ऊपर। जेनेटिक्स के पिता किसे माना जाता है? वो माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। कार्य का मात्रक क्या होता है? आंसर जाएगा जूल। उसके बाद चेन्नई जो एंड टनल का उद्घाटन अभी किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 11th क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा इस पेपर में आया था। तो युगांडा की राजधानी क्या है? इसका आंसर जाएगा कंबाला। अरुण जेटली कौन से राज्य से राज्यसभा के सदस्य इस समय बने हुए हैं? इसका आंसर जा था आपका उत्तर प्रदेश था। ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है? आंसर जाएगा आपका असम। एशियाई खेल 2018 इस बार कहाँ पर हो रहे हैं? तो इसका आंसर जो था गलत दिया गया था, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर वो है जकार्ता इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशियन गेम 2016 की मेजबानी किस देश ने की थी? आंसर जाएगा भारत। बॉक्सिंग एशियाई चैंपियनशिप 2017 का आयोजन कहां पर हुआ था? वो हुआ था ताशकंद, ठीक है। और इस बार जैसे पूछ लिया है तो उसने उसको एक तरीके से दे दिया था शहर का नाम, लेकिन आप लोगों से शहर पूछ सकता है, आप लोगों से राज्य पूछ सकता है, तो उसका आंसर जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला पायलट कौन है? आंसर जाएगा शुभांगी स्वरूप। स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स के लेखक कौन है? यहाँ पे जरा मिसटाइप हो गया है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स के लेखक कौन है? वो है जूडी बोलन। वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है? इसका आंसर होता है सिनेबार। एपिकल्चर का संबंध किससे है? तो मधुमक्खी पालन से इसका आंसर आप लोगों का जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन की बात कही गई है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ब्लड सर्कुलेशन की आखिर खोज किसने की थी? वो की थी विलियम हार्वे ने। पीएच का अधिकतम मान कितना होता है? तो देखिए 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है। और यहाँ पे पीएच का क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा कि 14 के पेपर में भी पूछा गया था, ठीक। तो पीएच का क्वेश्चन जरूर बन रहा है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो 14 होता है, पौधे सूर्य की तरफ किस हार्मोन की वजह से झुकते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो सनफ्लावर जो होता है वो जैसे जैसे सूरज चलता रहता है उसी तरफ वो झुकता रहता है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है जिसकी वजह से उसे झुकता रहता है? तो इसका आंसर जाएगा आप लोगों का ऑक्सीन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली चलाते समय पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? तो इसके ऑप्शन जो था वो उसमें नियम पूछा गया था न्यूटन का, कौन सा नियम लगता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे काम करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव होगा? तो ध्यान रखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर आप लिटमस पेपर पर डाल देंगे तो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाएगा, नीले से लाल उसे कर देता है वो। उसके बाद रेबीज के टीके की खोज आखिर किसने की थी? इसका आंसर जाएगा लुईस पाश्चर। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? आंसर जाएगा पानी से डर। हाइड्रो मतलब पानी हो गया और फोबिया डर होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के डर होते हैं, मैं इसकी आप लोगों को एक लिस्ट भी करा दूंगा एग्जाम वीडियो में, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको ऐसी कोई लिस्ट चाहिए होगी पूरी, तो वो पूरी लिस्ट इसकी करवा दूंगा। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे आविष्कारक एक पूछा गया है, तो टेलीफोन का आविष्कारक कौन था? तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एक इन्वेंशन आप लोगों से पूछा गया है, पीएच पूछा गया है, तो साइंस की काफी इसके अंदर चीजें पूछी गई हैं और पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत का अच्छा सुचालक कौन होता है? तो चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक है, लेकिन चांदी यूज़ नहीं होता क्योंकि चांदी एक वैल्यूएबल मेटल है, एक मूल्यवान धातु है, इसलिए उसको हर जगह प्रयोग नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो वो सोडियम होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि सोडियम और पोटेशियम ये एक दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है पेपर्स में और क्लास 10th लेवल का ये क्वेश्चन है। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बोला था, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपका यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आता है, तो 1 इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, वो है विटामिन सी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। क्रोमोसोम मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका केंद्र में। मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो होता है 80। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है राइबो
सोम को, ठीक, राइबोसोम कहा जाता है। उसके बाद है 38 क्वेश्चन कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा या फिर शक्ति। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, बना होता है अमीनो अम्ल से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है स्टेपीज, ठीक। उसके बाद है मनुष्य का कान एक ध्वनि सुनने के बाद दूसरी ध्वनि कितने समय बाद सुनता है, इसका आंसर जाएगा 0.4 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक करंट का क्वेश्चन है कि बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर इस समय कौन है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ठीक है। और आरबीआई का नया सीएफओ इस समय कौन नियुक्त किया गया, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा सुधा बालकृष्णन, ठीक है। और राइस ऑफ शिवगामी पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आंसर जाएगा आनंद नीलकंतन। और उसके बाद असम के गवर्नर कौन है, तो आंसर जाएगा आप लोगों का जगदीश मुक्ति। तो लगभग ये जो क्वेश्चंस हमने सेट जो तैयार किया था, लगभग 46 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने जितने हमें क्वेश्चंस मैक्सिमम मिले हैं वो हमने यहाँ पे आपको कराने की कोशिश की है। तो ये सारे के सारे सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी साइट पे जाके, ठीक है। realclasses.blogspot पर आप जाइए और वहाँ से आप लोग इसको कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फुल अलाउड है, हम स्टूडेंट्स के लिए जितनी आप लोगों की मदद हो सकती है मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है, 17 तारीख से आप लोग उस फॉर्म को तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, 27 से पहला इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड कर लीजिए अपने एडमिट कार्ड को, ठीक है, आप लोगों पर मैसेज आ जाएगा कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत मददगार सिद्ध होंगे, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है रिपीट आ सकते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का बनेगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, हम आप लोगों की पूरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, जितना हो सकता है आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरीके से रियल क्लासेस के चैनल के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो से अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए रियल क्लासेस के चैनल को, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से मटेरियल बनाते रहें और आप लोगों को हर चीज़ के लिए अपडेटेड करते रहें। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।